इतने प्यारे से हिरन के बच्चे को मार के गया ये इंसान। तुमने हमारे देवता को क्यों मारा? आपके देवता हमने नहीं मारा। अरे अरे क्या कर रहे हैं? आपके कबीले के सारे लोगों को हमने बंदी बना लिया। हम लड़ेंगे मरेंगे पर डरेंगे नहीं। अरे लड़ने मरने के अलावा कोई तो और रास्ता होगा? अगर आपने हमारे सरदार को लड़ाई में हरा दिया तो हम आपको बेगुनाह मान लेंगे। हमें मंजूर है, हम लड़ेंगे इनसे। मित्र तानसेन एक छोटे से कबीले का सरदार हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से इतनी आसानी से लड़ने के लिए तैयार कैसे हो? कुछ न कुछ तो है मित्र तानसेन जो हमारी नजरों के सामने नहीं आ रहा। हमें इस कबीले के सरदार के आत्मविश्वास पर शक हो रहा। देखा आपने बीर, ये तो इंसान नहीं है, धातु मानव है ये। हाँ जापना, मगर आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो हिंदुस्तान का निजाम चलाते। निजाम चलाने में और इस तरह लड़ने में फर्क होता है बीरबल। हाँ लेकिन जापना, आप तो वो हाथी को पिछाड़ देते हैं, शेर का कुचुम्बर बना देते हैं, और वो मगरमच्छ का क्या था, मगरमच्छ को उंगली पे नचाते। ये सब बचपन में करते थे, अब हमने छोड़ दिया। ये आप अपने बचपन में करते थे? नहीं नहीं, हमारे नहीं, ये हाथी शेर और मगरमच्छ के बचपन में करते थे, छोटे छोटे थे ना तो। देखा जापना, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। इस आदमी ने कठिन योग परिश्रम से खुद के जिस्म को फौलाद का बना दिया। जापना, इससे लड़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये एक छोटे से कबीले का सरदार है, आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, बादशाह अकबर, कोई जरूरत नहीं है लड़ने। अरे बात वो नहीं है बीरबल, हमने अपनी जुबान दी है, जुबान से पीछे कैसे हट सकते हैं हम? लड़ना तो हमें पड़ेगा ही। जब जब ये धातु मानव तो जापना की जान ले लेगा, जापना को बचाने का कोई ना कोई रास्ता तो सोचना पड़ेगा। हमारे जहां बना मतलब मेरे फूफू काफी अरसे बाद किसी को धूल चटाने जा रहे हैं, और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से मतलब वासुदेव की तरफ से खुला निमंत्रण है, आइए और फूफू की लड़ाई का लुत्फ उठाइए। वासुदेव जी, ये किस बात का ऐलान कर रहे हैं आप? फूफू की लड़ाई का। अरे लेकिन क्यों? अरे बीरबल जी, अगर मैं लड़ाई का ऐलान नहीं कराऊंगा तो ये सब लोग क्यों आएंगे? जाइए, आप सब जाइए। अरे जाइए जाइए जाइए। बीरबल जी ये क्या कर रहे हो? बीरबल जी, अरे वासुदेव जी, आप महान हो, बुद्धिमान हो, चतुर हो, चालाक हो, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आप अकल से मंद हो। हाँ, 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 हाँ। अरे वासुदेव जी, आपका तो जन्म ही विश्व शांति के लिए हुआ है। अरे बीरबल जी, आज तो आपने मेरी दोनों आंखें ही खोल दी है। बीरबल जी, वाह, बताइए कहाँ शांति फैलानी है मुझे? अरे वासुदेव जी, शांति फैलाने के लिए पहले लड़ाई को रोकना होगा ना। कहाँ लड़ाई रुकवानी है? आपके आसपास जो लड़ाई हो रही है। और बीरबल जी, मेरे आसपास कोई लड़ाई नहीं हो रही है। अरे उसी लड़ाई की बात कर रहे हैं जिसका ऐलान कर रहे थे आप, जहाँ पना और उस सरदार की लड़ाई। वासुदेव जी, आपको लड़ाई रोकनी होगी, उस लड़ाई को रोकना होगा। वासुदेव जी, वो लड़ाई रोकनी होगी। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन कैसे? हमारे पास एक योजना है वासुदेव जी।
क्या नहीं बच्चों, यहाँ पर जितने भी हिरण हैं, मैं उन सब की देवी हूँ, देवी मृत्युन्या। बच्चों, मैं आसमान से आई हूँ और तुम्हारे देवता का संदेश लाई हूँ। तुम्हारे देवता आराम से स्वर्ग में पहुंच गए हैं, लेकिन वो तुम लोगों से बहुत नाराज हैं। क्यों देवी माँ? मुझे बताए। जंगल में बिल्ली नहीं होती। तुम लोगों ने उस भले इंसान को, इस जंगल में कुत्ता भी नहीं होता। देवी माँ, वो इंसान हमारे देवता का हत्यारा है। झूठ, 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 झूठ बात है ये, बिल्कुल झूठ है, धोखा हुआ है तुम लोगों को। अरे उस भले इंसान ने नहीं मारा है तुम्हारे देवता को, तुम्हारे देवता ने तुम्हें संदेश भेजा है कि उस भले इंसान बादशाह अकबर से लड़ाई का इरादा छोड़कर उसे जाकर स्वयं माफी मांगिए। किसने मारा है हमारे देवता को? वो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, मतलब मतलब मैं तो देवी हूँ, अगर मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? मुझे तो सब पता है। हाँ, लेकिन इस बात का पता, इस राज का पता तुम्हें खुद ही लगाना होगा, समझे? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई देवी माँ। उस इंसान अकबर को हमने बहुत परेशान किया है। हम उनके राजमहल जाकर उनसे माफी मांगेंगे देवी माँ, और उनका सम्मान भी करेंगे। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ये दीजिए दीजिए। कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा उस लोहे के इंसान को हराने का। क्या बात है जहां बना, इतने बेचैन लग रहे हैं आप उस सरदार को पीटने के लिए। आपको पता है, आज तक हमने बस लोगों से सुना था कि आप सिर्फ हिम्मत वाले हो, बहादुर हो, लेकिन हम आज अपनी आंखों से देखेंगे कि हमारे सलीम के अब्बू कितने हिम्मत वाले, कितने बहादुर हैं। वैसे झापना, आप हमें सच सच बताइए ना, जब आप ये लड़ाई करने जाओगे तो हम कौन सी रंग की साड़ी पहने? आपका जो भी मन करे रानी साहब, आप वो रंग पहनिए, क्योंकि लड़ाई के बाद तो आपको सफेद ही पहनना है। सफेद क्यों? जा बना की जय हो। जा बना वो हू बु बु हू, जो भी कबीले का सरदार है, उसका संदेश आया था, वो आपसे लड़ने के लिए नहीं आ रहा। उसने अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगी है, और आपका सम्मान करने के लिए वो सारे कबीले के लोग महल में आ रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई बिरबल, क्यों नहीं लड़ेंगे वो लोग? हाँ, कितने अरमान थे हमारे सलीम के अब्बू को लड़ते हुए देखना। अरे बोलिए ना, क्यों लड़ना नहीं चाहते वो लोग, क्यों? बिरबल ना, क्या हुआ? देखिए रानी साहिबा,
हम क्या कर सकते हैं? हम आपसे माफी मांगना चाहेंगे। हम जानते हैं कि आप हमारी ये लड़ाई देखना चाहती थी, लेकिन अब आपके शौहर के ताकत के चर्चे इतनी दूर दूर तक पहुंच गए कि सामने वाला यूं लड़ने से पहले ही पीछे हट जाए तो हम क्या करें? ऐसे कैसे हो गया सलीम के अब्बू? कहीं आपने और बिरबल ने कुछ योजना तो नहीं बनाई ना ये लड़ाई रुकवाने की? हाँ, बातें कर रही हैं आप रानी साहिबा, ऐसा हम क्यों करेंगे? अरे हम तो उत्सुक हैं, हम तो उस कबीले के सरदार से लड़ना चाहते थे, अब वो ही पीछे हट गए तो अब क्या कर सकते हैं? अरे क्या हम क्या करें जहां बना, यही तो एक मौका था अपने आप को विश्वास दिलाने का कि लोग सिर्फ बोलते नहीं है कि सलीम के अबू हिम्मत वाले बहादुर है, हम खुद अपनी आंखों से आज देखते कि आप सचमुच में हिम्मत वाले हैं, बहादुर है। हमारे सारे अरमान मिट्टी में मिल गए, हमारे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मुझे पता है बूबी, मेरी वजह से आपके सारे अरमानों पर पानी फिर गया ना, लेकिन मैं आपके अरमानों पर पानी नहीं फिरने दूंगा बूबी। बस आप देखते जाइए मैं क्या करता हूँ, आपका वासो दीपक। बीरबल कमाल कर दिया आपने, इस लड़ाई को रोक कर कमाल ही कर दिया, आज हम आपसे बहुत खुश हैं। बीरबल इतने खुश हैं कि ये अंगूठी हम एक ना एक दिन आपको जरूर देंगे, हम वादा करते हैं आपसे। आइए हमारे महल में, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। शहंशाह हमें माफ कर दीजिए, हम आपको गलत समझे, हमारे सरदार आपसे मुकाबला नहीं कर सकते। अब ठीक है, ऐसी भी कोई बात नहीं है, देखिए गलती तो इंसान से होती है और आप भी इंसान है, आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देवी माँ, हुबा 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 हु, हुबा हुबा हु। अरे ये हुबा 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 हु बंद करो। अरे आप लोग जो समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, मैं कोई आप लोगों की देवी माँ नहीं हूँ। अरे मैं तो एक बाका नौजवान लड़का हूँ। वासु? हाँ देखो देखो, वासु वासुदेव है मेरा नाम। और हाँ मुझे पता है गलती आप लोगों की नहीं है, अरे गलती तो हमसे हो गई है। वासु? अरे बीरबल जी चिंता मत करो, मैं सब बता रहा हूँ ना। अरे यही तो मैं आप सब लोगों को यहाँ पर समझाने आया हूँ, वहाँ जो आपने जंगल में सब कुछ देखा था ना, अरे वो सब नाटक था। अरे हम तो सिर्फ लड़ाई रुकवाना चाहते थे, विश्व में शांति फैलाना चाहते थे, पर मुझे क्या पता था कि आप लोगों का ये मुकाबला रुकवाने के चक्कर में मैं अपनी मेरी फूफी के अरमानों पर पानी फेर दूंगा। लेकिन फूफी आप चिंता मत करो, आपके अरमानों पर जो मैंने पानी फेरा था वो सब पानी मैंने सुखा दिया है। रुक जाइए। देखिए इसने जो कुछ भी किया वो हमारे भले के लिए किया, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं, आप जो भी हुआ उसे भूल जाइए, छोड़िए ना, क्या रखा इन चीजों में, भूल जाइए। हम अपने देवता के हत्यारे को नहीं भूलेंगे। अरे हुबा 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 हुबा, चाहते क्या है आप, करना क्या चाहते, फिर क्या करें, नहीं भूलेंगे तो क्या करें? अब जो करेंगे हमारे सरदार करेंगे, कल तय किए गए वक्त पर लड़ाई होगी, इसका बदला हम अखाड़े में लेंगे। ये क्या लगा रखा है आपने, नकली है ये, नकली। यहां देखिए ये 1 2 3 4 ऐसे कैसे, 4 असली है हमारे पास।
देखिए जापाना, आपको उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम अभी ये लड़ाई रुकवा के आते। नहीं नहीं बीरबल, नहीं, लड़ाई को रुकवाने की बातें करना बंद कीजिए। बस ये सोचिए कि इस लोहे के इंसान को हराया कैसे जाए, कैसे कोई हरा सकता है इस लोहे के इंसान को? अरे पूरा का पूरा शरीर उसका लोहे का है, कैसे हारेगा वो? वार करने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए, कहां वार करेंगे? जापाना माना कि उसका पूरा शरीर लोहे का है, बहुत कठिन परिश्रम किया है उसने, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा तो वो खाता पीता बिल्कुल ही एक मामूली इंसान की तरह है। शरीर लोहे का है पर मुंह नहीं, जुबान नहीं, हलक नहीं, तो कोई अगर उसके मुंह के अंदर वार करे तो वो कैसे बचेगा? वाह वाह बीरबल वाह, ये कमाल की बात की है आपने, मुंह पर वार। बीरबल शायद आपको पता नहीं है, हम तो उड़ती चिड़िया की आंख पर निशाना लगा दें, आपने तो हमें पूरा का पूरा मुंह दिया है, आराम से वार कर सकते हैं हम। और आपने तो देखा ही है, वो सरदार तो हर बात पर करता ही रहता है, मुंह खुला नहीं, हमारा भला अंदर। अब आप जाकर चैन की नींद सो जाइए बीरबल, कल होगा शाही अखाड़े में मुकाबला। मुकाबला शुरू किया जाए। सरदार ने लोहे का खोल पहना हुआ है, हाँ? तो ये बेमानी है। ऐसे कैसे लोहे के खोल पहनकर लड़ाई हो सकती है? हाँ? नहीं रानी साहिबा, इस इंसान ने कोई भी लोहे का खोल नहीं पहना है, इसने कठिन परिश्रम से खुद के बदन को धातु का बना लिया है, ये धातु मानव है। अरे तो ये लड़ाई हो ही नहीं सकती, एक इंसान और एक राक्षस कैसे लड़ सकते हैं? हाँ? नहीं नहीं जापाना, आप आ जाइए यहाँ पर। नहीं रानी साहिबा नहीं, आपको बड़ा शौक था ना अपने शौहर को लड़ते हुए देखने का, आज ऊपर वाले ने हमें भी एक मौका दिया है कि अपनी बेगम के सामने हम साबित कर सके कि हम कितने बड़े शेर हैं। आप बस तसल्ली से बैठे रहिए,
इसे कैसे हराना है ये हमें आता है। बस हम आपको लड़ने नहीं देंगे। रानी साहिबा आप जहां बैठी हैं वहीं बैठी रहिए, ये आपके शौहर का हुक्म है। हमें मंजूर नहीं है। ये मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का हुक्म है। हमें मंजूर है। आम खान ये अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहा? उठिए जापना, उठिए, चलिए, उठिए, मारिए इस शैतान को, खत्म कर दीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए इसके। याद है जापना, आपने इनके देवता को किस तरह मारा था, किस तरह तड़पा तड़पा के इनके देवता की हत्या की थी? हाँ जापना, हाँ। बताओ सरदार, अब तुम्हें मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? हमें माफ कर दो शहंशाह, आज से हम आपके गुलाम हैं। हुबा हुबा हु या हु। हमारा यकीन मानिए, हमने आपके देवता को नहीं मारा। और दूसरी बात, आपको हमारी गुलामी करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह हम अपनी रियासत के राजा हैं, उसी तरह आप अपने कबीले के राजा हैं। और एक राजा दूसरे राजा की गुलामी नहीं करता। हाँ, लेकिन फिर भी अगर आपको गुलामी करने का इतना शौक है तो हमारी सलाह मानिए, आप शादी कर लीजिए। क्योंकि हर राजा अपनी बीवी का गुलाम तो जरूर होता है। आहा, 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 आहा,